हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ नीलम और आप सभी का नीलम जायका एंड लाइफस्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा रेसिपी है समर स्पेशल ड्रिंक, जो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यम्मी और आजकल गर्मी में इसे सभी को पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ कीनो यानी कि ऑरेंज संतरे का जूस निकालने का बेहद आसान तरीके, जो झटपट से तैयार होगा और एकदम आसान तरीके से। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। कीनो का जूस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कीनो। तो यहाँ पर मैंने 3 कीनो लिया है। देखने में कीनो और संतरा एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन असल में एक नहीं है, 2 अलग अलग फल हैं। तो यहाँ पर मैंने कीनो लिया है, इससे हम आज जूस निकालेंगे। इसके जगह आप संतरा का भी जूस निकाल सकते हैं इसी तरह से। चलिए सबसे पहले हम बीच में कट लगा लेते हैं। तो इसे हमें पूरी तरह से नहीं काटना है, बस जो छिलके हैं ना उस पर हमें कट लगाना है चारों तरफ से। तो चलिए, मैंने इसे कट लगा लिया है। तो इस तरह से हम प्रेस करते हुए हम इसके जो छिलके हैं ना उसको हटा लेते हैं। तो जो संतरे होते हैं उसके छिलके जो होते हैं बहुत ही आराम से निकल जाते हैं, लेकिन कीनो को निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कीनो में भरपूर मात्रा में विटामिन सी के अलावा और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, जो हमारे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखता है। तो इसी तरह से हम सभी छिलकों को हटा लेंगे। तो चलिए, सभी कीनो से मैंने छिलके हटा दिया है। तो इस तरह से हम अलग अलग पीसेस में कर लेते हैं और इसमें जो भी बीज मिलेंगे उसे हम हटाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी पीसेस को अलग कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक मिक्सर जार और इसमें हम सभी कीनो को ऐड कर लेते हैं और इसके साथ ही हम ऐड कर लेते हैं चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 चम्मच, क्योंकि आज मैं बच्चों के लिए जूस बना रही हूँ तो थोड़े मीठे तो होना चाहिए। तो 3 चम्मच हमने चीनी डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी को ऐड करें। और साथ में हम डालेंगे 1/2 कप पानी। तो चलिए, पानी को भी मैंने ऐड कर लिया है। तो बस अब और कुछ नहीं ऐड करें, क्योंकि हमें एकदम हेल्दी और नेचुरल जूस बनाना है। तो चलिए, हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो जार का ढक्कन है उसे हम बंद कर लेते हैं और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे ग्राइंड कर ली है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। तो आइए, देर न करते हुए इसे फटाफट से छान लेते हैं। तो एकदम हेल्दी और टेस्टी जूस हमारा बनकर तैयार होने वाला है और इसे पीने से बहुत सारे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। कीनो का जूस में बहुत सारा कैल्शियम और ग्लूकोज मौजूद होता है, जो आपके हड्डियों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा भी आजकल देखा गया है कि मोटापा एक आम समस्या बन गई है, तो ऐसे में अधिकांश लोग मोटापे के शिकार भी हो रहे हैं। तो अगर आप बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तो आप ब्रेकफास्ट में कीनो का जूस का सेवन कर सकते हैं। कुछ ही हफ्तों में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, इस जूस को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और जो भी पल्प थे वो बाहर निकल गए हैं छन्नी में और देखने में बहुत ही यमी और ऑसम लग रहा है। तो चलिए, इसे देर न करते हुए फटाफट से हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सर्विंग ग्लास और इसे हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो चलिए, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हमारा कीनो का जूस बिल्कुल तैयार है। देखने में बहुत ही रिफ्रेशिंग और ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए, इसे हम ठंडा करने के लिए आइस को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आइस क्यूब और सभी ग्लास में हम इसे ऐड कर लेंगे, ताकि जूस हमारा और भी ठंडा हो जाए और पीने में और भी टेस्टी लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीनो का जूस बिल्कुल तैयार है सर्व के लिए। और कीनो का जूस ऐसा जूस है जो गर्मी हो या सर्दी, दोनों मौसम में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आज की हमारी हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।